दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ आज हम देखेंगे इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स क्विक पार्ट एंड वर्ड आर्ट के बारे में तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखेंगे क्या है टेक्स्ट बॉक्स आप जैसे ही इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ बने बनाए डिज़ाइन सैम्पल आएंगे तो आप जो इस पर भी क्लिक करेंगे वो आपका जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर यह आप देख सकते हैं आपकी जो वर्ड की फाइल खुली हुई है उसके अंदर आपका ये आ जाता है फिर जैसे ही आपका आएगा उसी हिसाब से एक फॉर्मेट नाम करके एक डिज़ाइन का नाम मतलब फॉर्मेट का ऑप्शन ज़्यादा आ जाता है आप इसके अंदर जाएंगे कलर चेंज कर सकते हैं या आप यहाँ से कलर भी ले सकते हैं जो आपको कलर अच्छा लगे या फिर यहाँ से ऑट लाइन का कलर चाहिए तो आप यहाँ पे ऑट लाइन का कलर ले सकते हैं जैसे कि आपने ये ले लिया फिर ऑट लाइन का कलर आप रेड ले, ले लेंगे तो ये आपको दिखाई देगा जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हम पेज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो यह आपका ये सब कुछ बहुत आसान है या आप देख सकते हैं होम के अंदर भी आया था थ्री बॉक्स है या इस तरह का बॉक्स है जो आपको पसंद आए या अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं कहाँ पर इंसर्ट के अंदर टेक्सट बॉक्स अब यहाँ से दूसरा ले सकते हैं जैसे कि आपको कोई दूसरा चाहिए या आपको इस तरह से जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे या बीच में वाला चाहिए देखेंगे आपका बीच में आ गया या तो आप इसको डिलीट कर देंगे अब ये देखेंगे आपका बीच में है जैसे ही ये बॉक्स लेते हैं वैसे ही आपका फॉर्मेट चालू हो जाता है तो फॉर्मेट में मालूम है आपको डिज़ाइन कलर सैम्पल जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं जैसे कि हम यहाँ से ब्लैक वाला भी ले लेंगे तो ये देखेंगे आपकी तहरीर अब यहाँ से चाहे तो तहरीर को राइटिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और होम के अंदर जाएंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से कलर दे देते हैं मसलन वाइट ये आपका कहाँ से आता है इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ये यह आपका यहाँ से आता है जौन सा आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वो आप ले सकते हैं जैसे कि हम इसको फिर से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से बहुत सारा ऑप्शन आता है जो आपको चाहिए वहाँ से ले सकते हैं बहुत अच्छा है बहुत आसान है ये देख लिया इसके बाद आपका क्या है क्विक पार्ट क्विक पार्ट का मतलब क्या होता है आप कोई भी काम बार बार नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पे क्विक पार्ट में एक मरतबा काम करके उसको सेव कर लेंगे जैसे कि हम आपको दिखाते हैं पहले हम यहाँ पे ये यह हमने कहीं से कॉपी करके लाया है तो हमने ये एक डिज़ाइन ले लिया है हम चाहते हैं कि हमारा हर मर्तबा अपने आप ये वाला डिज़ाइन आए जैसे कि हमें किसी को भेजना है कोई लेटर यहाँ पे ऑफिस का नाम लिख लेंगे ऑफिस का नाम चेंज कर देंगे और जैसे कि हमें यही पूरा मैटर चाहिए हर मरतबा सेम मैटर चाहिए और डेट चेंज करना है बाकी सब कुछ वही चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के अंदर जाएंगे और क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो आता है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गरली यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद देखेंगे अभी नाम दे रहे हैं लेटर टू हेड या तो आप अपने हिसाब से नाम लिख लेंगे जो आपका यहाँ पर दे रहा है अभी अच्छा है हम यही नाम लिखना चाहते हैं लेटर टू हेड ऑफ़िस फिर गेयरली क्विक पार्ट फिर कैटेगरी में जनरल लगते हैं बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा हम ओके कर देते हैं अब इसको क्या करेंगे डिलीट कर देते हैं अब डिलीट करने के बाद हमें वापस उस चाहते हैं कि वो मैटर हो तो क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा हुआ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपका टोटल आ जाता है मतलब आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है कब जब आपने लिख के रखे होंगे और उसको क्विक पार्ट में सेव करके रखे होंगे ऐसे ही आप चाहते हैं कि टेबल बनाना हो और आपको हर मरतब बनाने की ज़रूरत ना पड़े तो आप यहाँ से जैसे कि हम ले लेते हैं पाँच कॉलम थ्री रो यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद ये आपका बना बनाया डिज़ाइन आता है यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन ले सकते हैं जैसे कि हमने ये ले लिया है अब ये लेने के बाद हम चाहते हैं कि यही डिज़ाइन हमेशा हर मरतबा मुझे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा इंसर्ट के अंदर जाएंगे और ये अभी सेलेक्ट है कि कौन सा ये जो हमने टेबल बनाया इसको सेलेक्ट किया है अब क्विक पार्ट में जाएंगे और यहाँ से सबसे नीचे वाला आता है सेव सेलेक्शन टू क्विक पार्ट गर्ली इसमें क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से नाम ले लेते हैं मसलन टेबल अब फिर टेबल फिर क्या है गैरली क्विक पार्ट जनरल फिर ओके कर देंगे ओके करने के बाद अब चाहते हैं कि यही चीज़ हमें बार बार मिले तो आप चाहे तो इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट दबा देंगे डिलीट हो जाएगा इसके बाद चाहते हैं कि हम दोबारा से टेबल लाए यहाँ से बनाने की ज़रूरत ना पड़े तो उसके लिए आपको क्या है क्विक पार्ट में क्लिक करेंगे और आपका देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपका टेबल मौजूद है अब इस पर क्लिक करेंगे ये देखेंगे आपका क्या हुआ टेबल बन करके आ गया है वो डिज़ाइन भी जो हमने लिया था वो भी आ गया है मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ही आप चाहते हैं कि आप हीडर के अंदर कुछ लिख लें जैसे कि हमने ये डिज़ाइन ले लिया है और यहाँ से लिख लेते हैं ये हमने लिख लिया है लिखने के बाद क्या करेंगे इसको हम यहाँ से होम से बोल्ड कर दिए और यहाँ से कोई कलर ले, ले लेते हैं जैसे कि हमने ले लिया है अब ये चाहते हैं कि जैसे कि हमें बार बार हीट इंसर्ट के अंदर हीटर में ना जाना पड़े तो उसके लिए क्या है फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाएंगे? क्विक पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे वाला आता है सेव सलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गेरली आप इसके अंदर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ रहा है एम एस वॉट इन हम यहाँ पर नाम और लिख देते हैं ये लिख दिए लिखने के बाद ओके कर देंगे फिर जैसे कि इसको कहाँ से आपका डिज़ाइन में आता है फिर हीडर में जाएंगे और रिमूव कर देते हैं जैसे कि यहाँ से जाएंगे रिमूव कर दें अब यहाँ से क्लोज कर दिए अब हमें वापस वही चीज़ चाहिए कि लिखने की ज़रूरत ना पड़े तो आप इंसर्ट में जाएंगे और हीडर में हम पहले क्लिक करेंगे यहाँ पे या तो डबल क्लिक करके जा सकते हैं ये हम गए फिर इंसर्ट के अंदर जाएंगे और आपका क्विक पार्ट आता है अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ रहा है एम एस वॉट इन हिंदी जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए आपका वो आ गया है आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना आपको फ़ोन बड़ा करना पड़ा है ना ऐसे फ़ोन का कलर देने की ज़रूरत पड़ी है तो ये सारा ऑप्शन कहाँ पर आता है क्विक पार्ट यहाँ पर किसी भी चीज़ को बना सकते हैं ऐसे आप चाहते हैं कि क्या जो आपके बैकग्राउंड में वाटर मार्क इस्तेमाल होता है आप उसको भी पहले एक मरतबा लिख लेंगे फिर उसके बाद उसको भी बना सकते हैं एक जैसे अगर सीख लेंगे तो बाकी आपके लिए आसान होगा बहुत आसान है अब यहाँ पे जैसे कि हम कुछ लिखते हैं ये हमने लिख लिया लिखने के बाद हम इसको बड़ा कर लेते हैं होम के अंदर जा कर के अब इसको क्या करेंगे बॉल कर दिए बॉल करने के बाद हम चाहते हैं कि इसका स्टाइल इस थोड़ा अलग हो तो आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे कि आप जिस पर कर्सर रखेंगे ये जिस वाले डिज़ाइन को लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ये देखिए आपका ये लिखा हुआ रहा है ओके कर देंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाता है फिर इसके बाद जैसे ही आपके इंसर्ट में वर्ड आर्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद आपका एक फॉर्मेट नाम करके आएगा आप यहां से देखेंगे एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं आपको यहां पे चेंज करना है तो so एडिट कर सकते हैं जैसे कि हम चेंज कर ज़्यादा लिख लेते हैं अब इसके बाद यहाँ से हम ओके okay कर लेंगे अब जैसे कि ये देखेंगे आपका ज़्यादा हो गया ऐसे ही क्या है स्पेसिंग? अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे अभी नॉर्मल है अब जैसे कि वेरी टाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाता है टाइट हो जाता है मतलब कि एक दूसरे से वर्ड लगता है चढ़ा हुआ या इसे tight, tight है या ऐसे टाइट थोड़ा टाइट है नॉर्मल कर देंगे तो ये आपका नॉर्मल हो जाता है मतलब कि एक जो दूसरा वर्ड है वो आपका बिल्कुल टच नहीं है ऐसे लॉस तो आपका थोड़ा और करीब से दूर हो गया है वेरी लॉस थोड़ा और दूर हो गया है अब ऐसे इवन हाइट अब इस पर हर एक पे क्लिक करके दे सकते हैं बहुत आपका ये आसान है इसमें कोई ख़ास नहीं जैसे हम यहाँ से फिर नॉर्मल कर देंगे अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्टाइल चाहिए आपको तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा है आप जिस पे क्लिक करेंगे वह आपका सामने मौजूद होगा जैसे कि हम इस पे किसी एक पे क्लिक कर देते हैं अब इसको चाहे तो पकड़ के इसको बड़ा भी कर सकते हैं ये आपका पूरे मतलब के पेज के अंदर दिखा रहा है ऐसे यहाँ से क्या है शेप फील कलर लेना चाहते हैं तो आप किसी एक कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका कलर दिखाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे ही क्या है यहाँ से चेंज शेप यहाँ पे जो आपका स्टाइल दिखा रहा है आप जिस पर क्लिक करेंगे वो आपका उसी हिसाब से उसी डिज़ाइन आपका यहाँ पे दिखाए कहाँ पे चैन शेप के अंदर जैसे कि आप चाहते हैं कि राउंड में होते आपका राउंड में भी आ रहा है आप चाहते हैं कि तीन कोने में होते ये देखेंगे आपका तीन कोने के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा है जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आपका सामने मौजूद होगा ये जैसे देखें इसके बाद क्या है शेडो इफ़ेक्ट आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे शेडों की तरह आएगा जो आपको लेना है आप उस पर क्लिक कर देंगे वो आपका तैयार हो जाएगा रोटेशन है पोजीशन है किधर रखना चाहते हैं ये आपका देख सकते हैं राइट में लेफ्ट में सेंटर में तो ये आपका पोजीशन है ऐसे ही आपका क्या अलाइनमेंट है जो आपका लेफ़्ट राइट right आता है या रोटेशन आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं घुमा सकते हैं कितना परसेंटेज आपको घुमाना है तो ये भी आपका बहुत आसान है कहाँ पे आपका इंसर्ट के अंदर आता है वर्ड आर्ट तो ये आपने देखा अब आप इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे सेलेक्ट किए हुए हैं आप डिलीट बटन दबा देंगे आपका ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम कुछ लिख के रखे थे हम उसको कॉपी कर लेंगे या फिर आप क्विक पार्ट में जाएंगे और आपका जो आता है लेटर है टू तो ऑफिस इसको हम वापस ले लेते हैं फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारा ये जो पहला वर्ड है ये वाला वर्ड हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये जो पहला वर्ड है ये थोड़ा बड़ा हो तो आपका यहाँ पर ड्रॉप कैप के अंदर ऑप्शन आता है अब जैसे यहाँ पे देखेंगे फिलहाल क्या है नन नन का मतलब खाली अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो तीन लाइन के अंदर आ रहा है तो ये अक्सर मिलेगा आपको मैगजीन के अंदर या पेपर के अंदर न्यूज़पेपर जो आता है उसके अंदर तो ये वाला डिज़ाइन कहाँ से बनाते हैं आपका ड्रॉप कैप से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अब जैसे कि अभी देखेंगे जो o आपका ओ है ये आपका तीन लाइन में आ रहा है आप चाहते हैं कि ज़्यादा लाइन में हो तो आप कहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है लाइंस टू ड्रॉप थ्री आप कम भी कर सकते हैं जैसे कि अभी क्या है क्लिक करेंगे ये आपका टू हो गया ओके कर देंगे तो ये आपका देखेंगे दो लाइन के अंदर आ रहा है अब ज़्यादा भी कर सकते हैं कहाँ पर ड्रॉप कैप पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप कैप ऑप्शन और यहाँ से देखेंगे आप क्या है जैसे कि पाँच कर लेंगे फाइव ओके ये आपका देखेंगे पाँच लाइन के अंदर आ रहा है दूसरा ऑप्शन क्या है आपका ये अभी देखे आपने इसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका क्या है एकदम पूरा अलग है पहले क्या आ रहा था कि उसके नीचे ही आ रहा था लेकिन अब बिल्कुल साइड में है जो आपका ओ है तो इस तरह का भी चलता है आप जो आपको अच्छा लगे यहाँ से ले सकते हैं तो हम वापस इसमें क्लिक करते हैं और फिर जा कर के यहाँ से थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि तीन वाला ज्यादा बेहतर लगता है तो हमने यहाँ से तीन वाला कर लिया है इसके बाद क्या है सिग्नेचर लाइन आप यहाँ से सिग्नेचर लाइन लगा सकते हैं कहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके फिर ओके तो ये देखेंगे आपका यहाँ पे सिग्नेचर का लाइन आ गया अब यहाँ पे इस तरह का सिग्नेचर बॉक्स है आप समझिए इसके अंदर सिग्नेचर करेंगे फिर इसके बाद डेट एंड टाइम चाहिए तो यहाँ पे देखिए हमने डेट एंड टाइम लिख रखा है लेकिन आपको वापस फिर से चाहिए या आप चाहते हैं कि हमें लिखने की ज़रूरत ना हो तो यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि ये वाला पे क्लिक किया और ओके कर देंगे तो ये आपका देखेंगे दिन भी आ रहा है और डेट भी आ रहा है कहाँ से डेट एंड टाइम पर फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या है सैम्बल सेम्बल में क्या है आपका बहुत सारा सेम्बल है जैसे कि यूरोप है फिर कॉपीराइट जैसे कि आप लगाना चाहते हैं किताब के अंदर जो आप पहला या दूसरा पेज होता है उसके अंदर क्या है कॉपीराइट का ऑप्शन लगाते हैं आप यहाँ से ये आप लगा देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा कॉपीराइट का निशान हो जाएगा ऐसे ही क्या है टी एम जैसे कि बहुत सारे जगहों पे टी एम लगाते हैं हम जैसे कि यहाँ पे लगाना है तो आप कहाँ पे जाएंगे इंसर्ट के अंदर और ये आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको यहीं पे बाहर ही लगाना पड़ेगा जैसे कि सैम्बल टी एम इसमें क्लिक कर देंगे ये आपका आ गया अब इसी को चाहे तो कट कर लेंगे और यहाँ पे ले जाके क्या करेंगे पेस्ट कर दिए ये आपका आ गया है अब ये वर्ड आपके हर पेज के अंदर दिखाई देगा जितना पेज आपका रहेगा तो ये आपने देखा सिंबल में बहुत कुछ सिंबल है अब आप जोन आपको है जैसे कि और लगाना है तो मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ये देखेंगे बहुत सारा है आप जिसको लेना है जौन सा लेना है आप यहाँ से एड कर सकते हैं फिर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह का दिखाएगा स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे भी दिखाता है और यहाँ पे आपका शॉर्ट कट दिखाएगा जैसे कि कॉपी राइट का लेना है या रजिस्ट्रेशन का लेना है तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा है आप देख सकते हैं कहाँ से आपका देखा है के अंदर इंसर्ट के अंदर सेम्बल आता है फिर मोर सेम्बल तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग